देखिए, ये जो निरंकारी मिशन है एक प्रकार का ये एक आध्यात्मिक जागृति है। मानव बनाने की कंपनी कोई ऐसी नहीं है, मतलब है नर पूजा नारायण सेवा, मतलब वननेस एकत्व। कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है वो है कौन? हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, हजारों की बात छोड़िए लाखों की संख्या में। और इसकी न्यूज़ सन 1929 से पड़ी और आज तक भी इस पर कंटिन्यू लगातार हर साल होता चला आ रहा है। इस संस्था का जो संस्थापक जो शुरू शुरू में थे वो बाबा बूटा जी थे। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान है और लेकिन मुझे शॉर्टकट में डी के फक्कड़ के नाम से जानते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल चलता है और इस तरह से इस मिशन से जुड़ा हूँ। तो ये बताइए कि ये सम्मेलन किस लिए बुलाया गया है, क्या इसका ध्येय वाक्य है, मतलब किस कारण से? देखिए, ये जो निरंकारी मिशन है एक प्रकार का ये एक आध्यात्मिक जागृति है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहते हैं कि ये आज सारा प्रोडक्ट बनाने की कंपनियां संसार में बनी हुई है, लेकिन मानव बनाने की कंपनी कोई ऐसी नहीं है। तो ये हमारा मिशन जो है मानवता के पक्ष पे काम करता है। हमारा मतलब है नर पूजा नारायण सेवा, यानी नर सेवा नारायण पूजा, यानी आदमी की सेवा कीजिए परमात्मा खुश रहेगा, क्योंकि आदमी के दिल के अंदर परमात्मा। कहते हैं मंदिर, जो वर्ड आता है मंदिर, वो मन होता है और दिल होता है, उसी में भगवान बैठते हैं। तो आदमी खुश होगा तो भगवान खुश हो जाएगा। और इसलिए हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो समय के जिनको हम अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ये हमारा ये हमारे इनके हम फॉलोअर हैं, हम इनके पीछे चलने वाले हैं। जी हाँ जी, मार्गदर्शन यही देते हैं। जी जी हाँ जी हाँ। ये कब से आप जुड़े हैं? जी हमको जुड़े हुए सन 2000 से हो गया, ये 23 साल हुआ। जी हाँ। अच्छा, आप YouTube चैनल भी चलाते हैं? जी, हमारा YouTube चैनल है डी के फक्कड़ गाजीपुरी करके है। अच्छा। उसमें जो भजन का गीत है। बताइए कि ये सम्मेलन किस लिए बुलाया गया है, क्या इसमें मतलब इस बार मतलब वननेस एकत्व। हाँ। कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है। हाँ। तो सबका मालिक एक है वो है कौन? मालिक की बात तो करते हैं लोग कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक है कौन? उसे एक को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, और जो भी उसका जो सिस्टम है वो दिखाया पूरा का पूरा, मतलब आपके सामने आंखों के सामने खोल करके ऐसे रख दिया जाएगा जैसे कोई सामान रख कर दी गई है। अच्छा। जी हाँ। कितने व्यक्ति आने की उम्मीद है, कितनी संख्या जनसंख्या आने की? हाँ, जिसके हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यहाँ कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन एक बात, बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो उस पर मतलब कितने उम्मीद लगाया, लक्ष्य कितना रखा गया कि आ जाएंगे? देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, हजारों की बात छोड़िए लाखों की संख्या में। और ये सारा सिस्टम जो है समन्वयकारी मिशन की सेवा दल, वर्दी जो पहने हुए पुलिस की वर्दी ना, वो सारा सिस्टम चलाते हैं सभी लोग। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान होता ही नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये नया हो रहा है, इसकी न्यूज़ सन 1929 से पड़ी और आज तक भी इस पर कंटिन्यू लगातार हर साल होता चला आ रहा है। जी ये बदल बदल कर होता है, यूपी में पहली बार ये इलाहाबाद हुआ है, इसके बाद कहीं कभी बनारस भी होता है, कभी आजमगढ़ होता है, कभी गोरखपुर होता है, बदल बदल के स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये स्टेट लेवल का कार्यक्रम है, और जो सेंट्रल लेवल का होता है पूरा विश्व जिसमें भाग लेता है वो हमारा समलखा मैदान हरियाणा कुरुक्षेत्र का मैदान है। अच्छा। जी निरंकारी जो मतलब इस संस्था का संस्थापक कौन? इस संस्था का जो संस्थापक जो शुरू शुरू में थे वो बाबा बूटा जी थे, बूटा सिंह जी। और फिलहाल उनके पास जो उनके अनुयायी बढ़े तो उनमें जो अच्छी तरह से जन समझ सकता था, इस चीज़ को फैला सकता था, उस तरह से आगे उसकी जिम्मेदारियां दी गई। और आज के डेट में बाबा हरदेव जी की सुपुत्री जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी जिनका नाम है वो चला रही हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत आप